सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम और आज हम इस वीडियो में अश्वगंधा रिष्ट के बारे में जानने वाले हैं। अश्वगंधा रिष्ट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अश्वगंधा मतलब इसके अंदर अश्वगंधा है। इसके अंदर अश्वगंधा के अलावा भी बहुत सारी औषधियाँ होती है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। तो आज हम अश्वगंधा रिष्ट के यूजेस जानने वाले हैं। अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग ब्लड प्यूरीफायर की तरह किया जाता है। ये रक्त को शुद्ध करता है, प्योर करता है। ये एनीमिया में भी यूजफुल होता है, तो एनीमिया की कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्तवर्धक होता है। अगर नर्व से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो नर्व में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ये लाभकर होता है। ये हार्ट के लिए अच्छा होता है और बर्निंग को, पूरे शरीर में जो बर्निंग होती है उसको भी दूर करता है। ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन है या आंत है उसको भी क्लीन करता है। अगर शरीर में कहीं नर्व से संबंधित प्रॉब्लम के कारण अगर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो उसमें भी ये लाभकर होता है। बॉडी में, शरीर में बर्निंग सेंसेशन है, तो उसमें भी ये यूजफुल होता है। अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं, बार बार बेहोश हो जाता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई दिक्कत है या ब्रेन से संबंधित कोई दिक्कत है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसकी कमजोरी को भी ये दूर करती है, नष्ट करती है। अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में भी किया जाता है, इसमें भी ये लाभकर होती है। आर्टरी या वेन से संबंधित, धमनी या शिरा से संबंधित कोई भी डिफेक्ट है, तो उसको भी ये दूर करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अश्वगंधा रिष्ट में केवल अश्वगंधा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी औषधियाँ होती है, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन है। तो इस कारण से क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो इसको ये पूरा कर देती है। तो ये बहुत ही पोषक होती है शरीर के लिए, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है। अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग एपिलेप्सी में भी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अंधेरा दिखता है अचानक से और वो बेहोश हो जाता है, और जब वो उठता है तो उसको पता ही नहीं होता कि वो बेहोश क्यों हुआ था, तो उस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पागलपन की स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और किसी को अगर पाइल्स है, हेमरॉइड्स है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर खाना पचता नहीं है अगर किसी का, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये एनहांस करता है। अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करने से जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं उनको ये दूर करता है। अश्वगंधा रिष्ट के प्रयोग से हाइट भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें अश्वगंधा होता है जिसका इफेक्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पर पाया गया है, तो इस कारण से ये हाइट को बढ़ाता है। अश्वगंधा रिष्ट में जो अश्वगंधा है, वो बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको बैलेंस करती है। शरीर में ये हार्मोन के लेवल को मेंटेन करके रखती है, जिसके कारण एंजाइटी दूर होती है और शरीर में कामिंग इफेक्ट मिलता है। मेनोपॉज की स्थिति में जो सिम्टम्स आते हैं, चिड़चिड़ापन होना, कभी कोई चीज़ अच्छी लगना, कभी नहीं लगना, चिंता रहना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, लो लिबिडो, और डिप्रेशन रहता है, और नींद नहीं आती रात में ठीक से। अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करने से ये जो सिम्टम्स है, ये दूर होते हैं। अब मेल हेल्थ की बात करते हैं, तो अगर कोई पुरुष अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करता है, तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट होता है, शारीरिक क्षमता प्रदान होती है उसको, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है, और प्रोस्टेट कैंसर होने की जो संभावना होती है वो भी दूर हो जाती है, और मेंटल हेल्थ भी मेंटेन रहती है। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है, जैसे कि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। तो अगर व्यक्ति लंबे समय से स्ट्रेस में रहता है, तो क्या होता है, जिसके कारण थकान महसूस होती है और इनफर्टिलिटी भी होती है। अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग इस स्थिति में भी किया जाता है। अश्वगंधा रिष्ट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये कैटरैक्ट या मोतियाबिंद, इससे भी बचाव करती है। आर्थराइटिस के पेशेंट में जो जॉइंट्स में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन होती है, उसके इन सिम्टम को भी ये मेडिसिन दूर करती है। अश्वगंधा रिष्ट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। अश्वगंधा रिष्ट किडनी के लिए अच्छी होती है, नेफ्रो प्रोटेक्टिव होती है। तो अगर किसी ड्रग के कारण कोई किडनी से संबंधित अगर साइड इफेक्ट मिल गए हैं, डैमेज हो गई किडनी, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किया जाता है, ये वीर्यवर्धक होती है, एफ्रोडाइजियाक होती है। अश्वगंधा रिष्ट स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो स्किन में ग्लो आता है
और हेल्दी स्किन होती है, और ये एजिंग के जो साइन होते हैं उनको भी डिले कर देती है, मतलब देर से बुढ़ापा आता है। अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करने से जो स्ट्रेस होता है वो भी दूर होता है और अच्छी नींद आती है। तो इंसोमनिया के पेशेंट जो हैं जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, तो उनमें इसका प्रयोग अगर किया जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है।